कडोदरा बारडोली रोड ना हल्दारू गाम पासे आवेल शिवसागर स्कूल में जाणीता अभिनेता फिरोज खान उर्फे जानभाई मुलाकात लीधी हती। पलसाणा तालुका ना हल्दारू पाटिया पासे आवेली शिवसागर स्कूल में अभ्यास करता विद्यार्थियों ने मोटिवेट करवा माटे आवेला अभिनेता फिरोज खान उर्फे जानभाई विद्यार्थियों ने जीवन में आगळ वधवा माटेनी केटली टिप्स आपी तेनुं महत्व समजाव्युं हतुं। नमस्कार, सागर पटेल, शिवसागर स्कूल कडोदरा सूरत। आज हमारे स्कूल में जान भाई फिरोज खान, जो एक बॉलीवुड स्टार है, जो बच्चों के बोल बहुत दिल के करीब है, वो आज हमारे स्कूल में पधारे हुए हैं। उन्होंने आज इस स्कूल में मोटिवेशनल क्लास रखा था सभी बच्चों को, जो मन में डाउट था कि अब क्या होगा। दो साल से लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन ओपन होने के बाद सभी बच्चे स्कूल में आज फिर से आए हैं, तो उस चीज़ को, टेंशन को, उनके डाउट को, उनके अंदर जो प्रश्न उठ रहे थे, वो चीज़ का हल जान भाई ने बताया। और वनिता मैडम का सपना था, जो मेरी मम्मी है, उनका सपना था कि सभी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट, सभी अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन जिनको बॉलीवुड लाइन में जाना हो, जिनको एक्टर बनना हो, डायरेक्टर बनना हो, ये सब फील्ड में जाना हो, तो उनका भी मोटिवेट करें जान भाई, क्या बॉलीवुड के अंदर में कैसा सिचुएशन होता है, कैसे एक्टिंग किया जाता है, उनका भी उन्होंने गाइडलाइंस दिया। और उनके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा हूँ कि वो हमारे स्कूल में पधारे। धन्यवाद। नमस्कार, और मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम जान है और बच्चे अच्छे तरीके से जानते भी हैं मुझे, तो इसीलिए मैं बच्चों की जान हूँ, नन्ही सी जान। आज मैं यहाँ पर अपने सूरत में, कड़ोदरा में जो स्थित है शिवसागर स्कूल, जो वनिता बहन पटेल, जो मेरी सिस्टर भी थी बड़ी और आज स्वर्गीय है, तो मिस्टर आलोक सर, जो उनके हस्बैंड भी हैं, फाउंडर भी हैं, बेटे सागर हैं, तो उनके थ्रू, उनके माध्यम से एक शिव सागर स्कूल में छोटा सा एक मोटिवेशनल प्रोग्राम, कार्यक्रम रखा था हमने। तो हम लोग इसको कैसे बच्चों को मेंटली डिप्रेस्ड हुए इस लॉकडाउन में, दो दो लॉकडाउन बच्चों ने काफ़ी कठोर परिश्रम कह सकते हैं, या घर में एक पैक किसी चीज़ को, जो कि बच्चे आजकल आपको पता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में व्यस्त रहते हैं, योगा क्लासेस होती है, साइकिलिंग करते हैं, प्ले करते हैं, पार्क में खेलते हैं, तो इस सब के ऊपर हमने एक कार्यक्रम रखा था, बच्चों को बहुत ही प्यार से मोटिवेट करा। उसके बाद अपने आप को कैसे सिक्योर, सारा कुछ केयरफुली रहना है, क्योंकि ऐसी एक महामारी है जो अकेला हमारी कंट्री नहीं, इससे सारी दुनिया हमारी परेशान है, पूरा वर्ल्ड में ये क्राइसिस है, तो इसको लेकर के एक बच्चों में जागरूकता अभियान जगाने के लिए एक कार्यक्रम रखा था। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मिस्टर आलोक कुमार पटेल साहब का, और साथ में सागर का, सागर मेरा छोटा भाई है, तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया और आई होप के बच्चों में आगे चल के इसमें ना और जागरूकता पैदा होगी और बच्चे अपने आप को सेफ रख पाएंगे, और भगवान ना करे कभी ऐसा मौका आए कि तीसरी वेव, जो एक आपने भी सुना हो, हम लोग भी सुन रहे हैं, भगवान करे वो भले ना आए, ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए, और आगे बच्चे अपना फ्यूचर बनाएं और अच्छी पढ़ाई करके कामयाब हों अपने फ्यूचर में, यही मेरी कामना है। थैंक यू।